हमारा अध्याय कल हम पढ़ रहे थे अध्याय 12 और 12 का 12 तक हमने कल पढ़ लिया था व्याख्या, लेकिन हम दोबारा 12 से पढ़ेंगे। जब एक हम दोबारा से पढ़ लेते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हाँ हमने कल यहाँ तक सुना था या पढ़ा था। तो मर्म को न जान कर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ और ध्यान से भी सब कर्मों का फल त्याग है प्लस श्रेष्ठ है। त्याग श्रेष्ठ है क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है होती है। जो पुरुष अपनी भूतों को द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में क्षम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वो मुझ में अर्पण किए हुए है। मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्योग में से रहित है, वो भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आगन से रहित, बाहर भीतर से युद्ध है, चतुर पक्षपात से रहित और दुख से छूटा हुआ है, वो सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, न शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भययुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख द्वंद में सम है और असक्ति में रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मनशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने वाले में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान ममता और असक्ति में रहित है, वो स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। श्री भगवद गीता नय ब्रह्म विद्यायं योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुने संवादे भक्ति योगो नाम स्वाध्याय समाप्त 12वां अध्याय समाप्त। तो कहते हैं अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या, क्योंकि 12वां अध्याय छोटा था, इसमें केवल और केवल 20 दोहे थे, 20 दोहों की व्याख्या थी। जो 12 हमने कल पढ़े थे, 12 आज पढ़ने थे, 12 कल पढ़ लिए, तो 20 ही थे, तो 8, लेकिन हमने 12 से पढ़ा, अब आज 20 तक पढ़ लिया, हमारा अध्याय पूरा हो गया। तो कहते हैं वेद शास्त्र और गुरु जी के द्वारा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के समस्त विश्वास का नाम श्रद्धा है। इसमें कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों के द्वारा, जैसे महात्मा की वाणी है, गुरु जी कहते हैं परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदस्य विश्वास का नाम श्रद्धा। अगर हम गुरु और संत में प्रत्यक्ष भगवान मानते हैं तो ये हमारी श्रद्धा और विश्वास है, तभी हमारा हमको श्रद्धा रखनी चाहिए गुरु और ईश्वर पे। दूसरों की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। दूसरों के देख कर हम वह संताप नहीं होना चाहिए, उसका नाम अमर्ष है। कहते हैं कि केवल भगवत कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का निश्चय चिंतन भी बना रहता है, इसलिए ध्यान से कर्म
फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। देखो त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप पांच अद्भुत और मन बुद्धि अहंकार और पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांच कामेन्द्रियां हैं तथा शब्द पांच विषय हैं। इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परंपरा चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। हमें सर्दी जैसे सर्दी और गर्मी हमें बराबर सहन करनी होती है, उसी प्रकार हमें सभी चीज़ों को सहनशीलता लानी चाहिए। भगवान कहते हैं व्यवहार से द्रव्य की और उसके सबके आहार की एवं यथा योग्य वर्ताव से आचरणों की और जल मृतिकादि से शरीर की शुद्धि से तो बाहर की शुद्धि करते हैं और राग द्वेष तथा कपट आदि से विकारों का नाश होकर अंतःकरण स्वच्छ और शुद्ध हो जाना भीतर की शुद्धि कहलाती है। जैसे तृष्णा सर्वथा अभाव, शीत उष्ण सुख दुख आदि इंद्रियों का सहन करना, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, वेद और सत्शास्त्रों का अध्ययन एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना, मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, दुखियों में करुणा, वेद शास्त्र महात्मा गुरु और परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष की सदृश विश्वास रखना, सत और असत पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होना, अंतःकरण में संशय और विपेक्ष का अभाव होना, भक्ति इत्यादि सदुगुण अविभाव स्वभाव से ही हो सकती है। इस प्रकार शरीर रहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम भावना अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही वास से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ज्ञान की तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था में पाया जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उस शरीर का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उजासक और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः पापाचरण से रहकर उसके कथनानुसार शेष कर्मों को प्रवृत्त हो जाते हैं। अपना अपराध करने वाले लेखों को किसी प्रकार भी दृढ़ देने वाला भाव न करना, भारी विपत्ति आने पर भी अपनी स्थिति में चलायमान न होना, अपनी साथ देख रखने में भी द्वेष का न होना, सर्वथा भय का भाव, इच्छा और वासनाओं को अत्यंत भाव होना और अंतःकरण से नित्य निरंतर प्रसन्नता का ज्ञान रहना। इसलिए कहते हैं मनुष्य मात्र का ही इसमें अधिकार है, अतएव सद्गुणों को अपने अंतःकरण में अभिभाव करने के लिए सभी को भगवान के शरण होकर विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा प्रकट करने के लिए किसी भी में समर्थ नहीं है, अतः जितना शीघ्र हो सके ज्ञान इंद्र से चेत कर उक्त सात सभी शेषियों में कहे हुए त्याग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुष की शरण ग्रहण करके अपने कथानुसार साधन करने में तत्पर होना चाहिए, क्योंकि ये अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान की कृपा से मिलता है। इसलिए नाशवान क्षण भंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत कर्म ही करता है।
बुद्धिमान इधर उधर भटकता नहीं है, वो भगवत कर्म में अपने को लीन रखता है। जिसे आश्रय मिल जाए उसका नाम अधिष्ठान है। जिन जिन ज्ञान इंद्रियों और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। जैसे सत्संग और शास्त्र के अभ्यास में तथा भगवत कर्म में और उपासना के करने से मनुष्यों की बुद्धि शुद्ध होती है, इसीलिए साधनों में रहित होकर उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, साधना में रहकर ऐसे वो अशुद्ध है ऐसा समझना चाहिए। जैसे अग्नि वायु जल के द्वारा प्रारब्ध किसी प्राणी की हिंसा होती है, देखने में आवे तो वो वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष के देह में अभिमान नहीं है वो स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही है। जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं उस पुरुष के शरीर में इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है तो लोक दृष्टि में देखी जाए तो वो भी वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती, तथा बिना कर्तव्य भाव विमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वो पुरुष पाप से नहीं बनता है। जानने वाले का नाम ज्ञाता है। जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। जानने से आने वाली मनुष्य का नाम ज्ञेय है। कर्म करने वाले का नाम करता है और जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है। करने का नाम क्रिया है। इसलिए कहते हैं हमें बड़ी सावधानी से सत्संग और गीता का अध्ययन करना चाहिए। दीर्घ सूत्री में कहा जाता है कि जो थोड़े ही काल में साधारण कार्यों को कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता है। कहते जो सोचते हैं थोड़े दिन में ये कार्य पूरा कर लेंगे उसकी आशा पूरी नहीं होती। चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ में रहते हुए फल और अशक्ति त्याग कर भगवत बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति करने का नाम प्रवक्ति मार्ग है। जैसे राजा जनक ने किया था उस तरह से करने का उसका नाम प्रवक्ति मार्ग है। हमें गृहस्थ में रहकर ही राजा जनक की बात भगवत बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। देह विमानों को त्याग कर केवल सच्चिदानंदन घन परमात्मा में एकीकृत स्थित हुए श्री सुखदेव जी और शनक दिको की भांति संसार में उपराम अहंकार होकर विचार करने का नाम निवृत्ति मार्ग है। भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचारिणी दोष है। उस दोषों से रहित वो अभिविचारिणी धारणा है। मन प्राण और इंद्रियों में भगवान के प्रति किए भजन ध्यान और निष्काम कर्मों में लगने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। कहते भगवत भजन में जो हम अपना समय लगाते हैं त्याग करते हैं उसी का नाम है धारणा। तो हमें ऐसा सोच सब कर कार्य करना चाहिए। भक्त भाव के लिए भजन ध्यान और निष्काम कर्मों लगाने का नाम उनकी क्रियाओं का नाम धारण करना ही प्रयुक्त है। ओ तुमरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तुमरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई। तुमरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा न कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। अम्बुआ की डाल पे पिंजरा टंगाया, बुआ की डाल पे पिंजरा टंगाया, उड़ गया सुआ पढ़ैया नहीं कोई रे, उड़ गया सुआ पढ़ैया नहीं
रे अम्बवा की डाली पे सुआ टंगाय, अम्बवा की डाली पे पिंजरा टंगाया, उड़ गया सुआ पड़ैया नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे। गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, डूबन लगी नाव बचैया नहीं कोई रे, गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, डूबन लगी नैया बचैया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हम नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। भाई बंधु कुटुंब कबीले, भाई बंधु कुटुंब कबीले, बिगड़ जाए बात बनैया नहीं कोई रे, बिगड़ी जो बात बनैया नहीं कोई रे। आई बंधु कुटुंब कबीले, बिगड़ी जो बात बनैया नहीं कोई रे, तेरे बिना क्या हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। हरिओम तस्यत, हरिओम तस्यत।